डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए फोर्थ सेमेस्टर एनिशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास की महासंग्राम होने वाली है, क्योंकि आपकी परीक्षा यदि लगी है कल परसों या फिर आने वाले दिनों में प्राचीन इतिहास की और आप बीए फोर्थ सेमेस्टर के, तो ये वीडियो आपको कम्प्लीट देखना चाहिए। इसलिए क्योंकि इसमें वीडियो में वो सारे क्वेश्चन और उत्तर मैंने इंक्लूड किए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो उन सभी का उत्तर तैयार किया है। बाकी इस बार जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं उनके हिसाब से भी तैयार किए गए, तो कुल मिला के ये आप सभी के लिए सही वीडियो है। इसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसके उत्तर भी मिलेंगे, वो भी वो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में उम्मीद है आने की। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका अपना ही चैनल सक्सेस स्टोरी है तो ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न है ये कि दंतिवर्मन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो दंतिवर्मन के बारे में जानते हैं, ये इतिहासकार थे, ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं कि दंतिवर्मन के बारे में आपको क्या परिचय जानकारी है, क्या उसके बारे में लिखना है। तो ध्यान से सुनेंगे कि नंदिवर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसकी महारानी रेवा देवी से उत्पन्न पुत्र दंतिवर्मन कांची के सिंहासन पर आसीन हुआ। यानी कि जो दंतिवर्मन था, ये नंदिवर्मन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसकी जो महारानी थी जिसका नाम था रेवा देवी, उससे ये पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ पुत्र था जिसका नाम था दंतिवर्मन, ठीक है, जो कि कांची स्थान या कांची एक प्लेस है, स्थान है जहाँ के सिंहासन पर वो बैठा, ठीक है, और जिसने लगभग यानी कि दंतिवर्मन ने लगभग 50 से 51 वर्ष तक शासन किया, यानी कि अपनी गवर्नमेंट बनाए रखा, ठीक है, कदम्बों में अपना मधुर संबंध स्थापित कर लिए। इसने अपना विवाह कदम्ब राजकुमारी से किया। कदम्ब एक स्थान था जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बाराबंकी है और आजमगढ़ है, इसी तरह बहुत सारे जो नाम होते हैं जिला वाइज, तो उसी तरह एक कदम्ब स्थान है, ठीक है, जहाँ की एक राजकुमारी थी, उन्हीं से, ठीक है, अपना विवाह करता है। ये विवाह से पहले उसने अच्छे से वहाँ के लोगों को मैनेज किया, अच्छे से समझा और वहाँ से प्रेम बढ़ा लोगों के प्रति, ठीक है, लोगों के प्रति उसके प्रति दोनों आपस में मधुर भाव रहे, ठीक ठीक है, भाव थे। इसलिए इसने धीरे धीरे वहाँ की एक सुंदरी पसंद आ गई, राजकुमारी पसंद आ गई, ठीक है, और उसने अपना विवाह कदम्ब की जो राजकुमारी थी उससे किया, जो पृथ्वीपत की पुत्री थी। किसकी थी? पृथ्वीपत की पुत्री थी, ठीक है, जिससे विवाह हुआ था दंतिवर्मन का। उसने युद्ध और कूटनीति द्वारा अपने शक्ति से सुदृढ़ करने का प्रयास किया, परंतु राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा, यानी कि जो राष्ट्रकूट थे उनसे वो हार गया था। तो इस प्रकार बेसिक परिचय लिखेंगे दंतिवर्मन के बारे में। हालांकि हमेशा नहीं आता है, लेकिन कुछ बार परीक्षा में आ चुका तो जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी का क्या नाम था, ठीक है, तो बताइए इसके बारे में। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी का नाम जानने से पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रकूटों के बारे में, ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो थे, ठीक है, ये राजवंशी थे। राष्ट्रकूट थे ये कौन लोग थे? ये राजवंशी थे, ठीक है, और ये जो इनका नाम पड़ गया राष्ट्रकूट, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो कि भारत के सबसे ज़्यादा या फिर बोल सकते हैं कि बहुत बड़े भूभाग पर अपना राजवंश स्थापित कर रखे थे, ठीक है, यानी कि अपना कब्जा कर रखे थे, यहाँ पर वो राज करते थे, ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में। तो आई होप आप लोगों को मतलब कि मालूम हो गया होगा राष्ट्रकूट कौन थे, ठीक है, राजवंश थे। तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्रकूटों की शाखाएं दक्षिणी भारत में विभिन्न भागों में राज करती थी। बादामी के चालुक्य के पतन तक ये राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त थे। 7वीं-8वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में बैतूल और इलिशपुर जिलों में भी एक राष्ट्रकूट वंश राज्य कर रहा था। चालुक्यों को निकाल कर दो राष्ट्रकूट वंश, पहला है मान्यखेट के राष्ट्रकूट और दूसरा बरार के राष्ट्रकूट, इनकी राजधानी मान्यखेट थी। ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो मान्यखेट थी, मान्यखेट ध्यान रखेंगे, सॉरी मानखेट बोल दिया, ठीक है, मान्यखेट थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भैया कृष्ण प्रथम कौन था? तो कृष्ण प्रथम के बारे में जानते हैं, वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, यानी कि कृष्ण जो था एक महत्वाकांक्षी राजा शासक था, और विजी, ठीक है, विजी गीसु भी विंध्या के दक्षिण में, सॉरी विंध्य के दक्षिण में कोई भी शक्ति अब उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मतलब इसका ये हुआ
कि जो कृष्ण प्रथम था ये तो साथ साथ में एक बहुत बड़ा शासक यानी बहुत बड़ा राजा, महत्वाकांक्षी राजा था, और साथ साथ में विजिगेशु भी था। और ये विंध्य के दक्षिण में कोई भी शक्ति अब उसका मुकाबला, मतलब कि इसके आगे पीछे कोई भी, जो इतिहासकार थे बहुत सारे, जो इतिहास के लोग थे जैसे कि मेफर थे, राष्ट्रकूट लोग थे, ठीक है, तो इसके जो मतलब कि इसके सामने नहीं आते थे इस प्रकार बोल सकते हैं, वही यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी शक्ति अब उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। किसका? कृष्ण प्रथम का। कृष्ण ने कोंकण को जीत कर वहाँ शिलाहारा सामंत को नियुक्त किया, मतलब कि कृष्ण ने कोंकण को जीत लिया और वहाँ शिलाहारा सामंत को पद पर बैठाया, नियुक्त किया, और 768 ईस्वी में गंगराज श्री पुरुष को जीत कर अपनी शक्ति विस्तारित किया। यानी कि धीरे धीरे ये दूसरे दूसरे प्रदेशों पे, दूसरे दूसरे राजधानियों पे ये अपना लड़ाई करके और जीत कर कब्जा करता चला गया, यानी कि विस्तार करने लगा। उसने चालुक्यों के बी ठीक है बची हुई शक्ति को नष्ट किया और राष्ट्रकूटों के शत्रु रहाप को हराया। उसने राजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार लिखेंगे कृष्ण प्रथम के बारे में, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर कौन था? तो नरसिंह द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सोमेश्वर 1234 से 1235 ईस्वी में होय ठीक है होयसल सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, जिसका शासनकाल इस वंश के पतन का प्रारंभ माना जाता है। और सिंघा ठीक है सिंहासनोहरण के पूर्व ही चोलों की सुरक्षा का दायित्व इसी पर पड़ा। कन्नूर से यह चोल साम्राज्य के प्रशासन की सुव्यवस्थित कर रहा था। और सिंहासन ठीक है सिंहासन या फिर बोल सकते हैं सिंहासनारोहण के पश्चात चोल राज्य ठीक है चोल राजेंद्र तृतीय से राजनीतिक संबंध स्थापित करने के पश्चात पांडे जटावर्मन की ठीक है जटावर्मन से इसकी शत्रुता उग्र हो गई, यानी कि इससे जो दुश्मनाई है वो बढ़ गई, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे सोमेश्वर का परिचय। राष्ट्रकूटों का जो पतन हुआ उसका क्या कारण था? तो राष्ट्रकूटों के लगभग 735 से ठीक 735 से 1975 तक ना मात्र दक्षिणापथ संपूर्ण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि 1967 में कृष्ण द्वितीय के काल तक नर्मदा के दक्षिण का समतल ठीक है दक्षिण का समस्त भूभाग ठीक है नर्मदा के दक्षिण का समस्त भूभाग राष्ट्रकूट प्रशासन का क्षेत्र रहा। किंतु 1973 ईस्वी में ही यह वंश मात्र अस्मृत पर ही अवशिष्ट रहा। इस ठीक है इनका वह शीघ्र पतन इतिहास में एक आश्चर्यजनक घटना है। कृष्ण तृतीय की अदूरदर्शिता के कारण इस वंश का पतन सुनिश्चित हो गया, यानी कि धीरे धीरे वो जो साम्राज्य था, धीरे धीरे जो वंश था उसका समापन हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिला किसी का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है कि पांडे कौन थे? तो पांडे राजाओं के मूल क्या थे, यह विवादग्रस्त है, ठीक, क्योंकि इसके अलग अलग मतभेद हैं कि कौन पांडे है, ठीक है इतिहास में। तो इसका लिखेंगे नंबे ठीक है नंब रचित त्रु विलय ठीक है विलयड यो विलेडियोडल में पांडवों को चंद्र से जोड़ा गया, जो बाद में कई बार दोहराया गया। बीसेंट स्मिथ का विश्वास है कि प्राथमिक पांडे राजाओं ने ठीक है मदुरे को अपनी राजधानी बनाने के पूर्व कोकय ठीक है मडलूर और कल्याणपुर से शासन किया था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि पांडे राजा का क्षेत्र आधुनिक तमिलनाडु के आसपास रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ पर यूपी में ही है, हालांकि क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया उसका उत्तर। अगला कि पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो वातापी के चालुक्यों में पुलकेशिन द्वितीय एक महान तथा महत्वाकांक्षी राजा यानी कि शासक था। उसने अपने राजवंश की विचलित यानी कि राजवंश का जो विचलित होता है ठीक है विचलित कुल लक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया और साम्राज्य की गरिमा में अभिवृद्धि की। उसने अप्यायी गोविंद कदम्ब गंग लाट मालव तथा गुर्जर पर विजय प्राप्त की, हर ठीक है विजय प्राप्त की, वर्ष को युद्ध में पराजित कर दक्षिण भारत का महान विजेता तथा परमेश्वर जैसी उपाधियों से अपने आप को अलंकृत किया।
ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में परिचय। अगला प्रश्न है कि चोलों के स्थानीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। चोलों के शासनकाल में स्थानीय प्रशासन को सर्वाधिक महत्व तो दिया जाता था। ठीक है, स्थानीय प्रशासन मुख्यतः ग्राम सभाओं, नगर सभाओं तथा मंडल सभाओं के द्वारा संचालित होता था। वहाँ तीन प्रकार की ग्राम सभाएँ थी कि ठीक है, ग्राम सभाएँ थी उर सभा तथा नगरम, और उर ग्राम व नगर दोनों। ठीक है, उसके बाद आपको लिख मतलब कि ध्यान रखना है, एक मिनट, हाँ ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, तो अपने राजवंश की विचलित कुल लक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया और साम्राज्य की गरिमा में अभिवृद्धि की। उसने अप्याय, गोविंद, कदम, गंग, लाट, मालो तथा गुर्जर पर विजय प्राप्त की। हर्ष को युद्ध में पराजित कर दक्षिण भारत का महान विजेता था। परमेश्वर जैसी उपाधियों से अपने को अलंकृत किया। ठीक है, उसके बाद अगला है कि चोलों के स्थानीय प्रशासन पल्लव मल्ल कौन था। चालुक्य के बारे में जानते हैं। चालुक्य कई बार क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर लिखेंगे। बतापा के चालुक्य के विषय में अभिलेखों में उनकी उत्पत्ति संबंधी कोई सूचना नहीं है, परंतु वेंगी और कल्याणी के चालुक्यों के विषय में सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। कहा गया कि चालुक्य हरित ऋषि के उल्लू से उस समय उत्पन्न हुआ जब वह देवताओं को आहुतियाँ दे रहे थे। मनु के पुत्र मानव्य को, ठीक है, मानव्य के हरित तथा हरित पुत्र एवं पौत्र थे, और हरित के पुत्र चालुक्य से चालुक्य राजनीति उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार लिखेंगे चालुक्य के बारे में परिचय। अगला कि चोल कौन थे, भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, तो चोल की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं। कोई कहाँ पर मानता है, कोई कहाँ से मानता है, सबके अलग अलग मतभेद हैं। आप पढ़ लीजिएगा फिलहाल, ठीक है, कई बार आ चुका है। सत्या आफ्रय कौन था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। अगला कि यादव रामचंद्र कौन था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करें आप सभी। रामचंद्र 1271 से 72, ठीक है, 1271 से 1272 ईस्वी में देवगिरी के सिंहासन पर बैठा। कुछ ही समय पश्चात उसने मालो पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया, यानी कि हरा दिया। उसने बघेलों तथा, ठीक है, होयस, ठीक है, हाँ, उसने बघेलों तथा होयसल शासक नरसिंह से भी युद्ध किया। इसी के समय मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। उस समय यादव सेना का नेतृत्व शंकरदेव कर रहा था। ठीक है, शंकरदेव कर रहा था। विवश होकर रामचंद्र को संधि की प्रार्थना करनी पड़ी। तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिचय। और राष्ट्रकूट अमोघ, ये क्वेश्चन राष्ट्रकूट से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं किया है। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी हम टिक लगा दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। होयसल वंश आता है लेकिन बहुत कम आता है, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, विनयादित्य कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा। ठीक है, मतलब कि परीक्षा में आने की उम्मीद है। बल्लाल प्रथम कौन था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है। बादामी के चालुक्य की उत्पत्ति बताइए, ठीक है, ये भी देख लीजिए। वेदांगी के चालुक्य कौन थे, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इसको जरूर रिपीट करेंगे। कदम वंश, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी आ चुका है, तो इस बार भी आएगा पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद यादव, ठीक है, सिंहहण पर टिप्पणी लिखिए। और दंती दुर्ग कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगला इंपॉर्टेंट है, गोविंद तृतीय कौन था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है, इस बार भी आएगा। चालुक्य की विभिन्न शाखाएं कौन कौन थी, ठीक है, तो उनकी जो शाखाएं या फिर उनकी जो टीम थी, ध्यान रखेंगे। चालुक्य की विभिन्न शाखाएं कौन कौन थी, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, कुलोत्तुंग के विषय मैंने, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप इग्नोर कर सकते हैं। पल्लव कला शैली, ये इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है, इसके बारे में जरूर फोकस करेंगे। बिल्लम पंचम, ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता, पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। बीर बल्लाल द्वितीय पर टिप्पणी लिखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उम्मीद है कि इस बार फंस जाएगा। ठीक है, 100% उम्मीद फंसेगा। विष्णुवर्धन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% फंसेगा इस बार। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं।
पढ़ लो कौन थे गारंटी वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, ऐसी कोई परीक्षा छूटी जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। पढ़ लो कौन थे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है कि प्रताप गुरु, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव कौन था, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव को परिचय देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। रामराज प्रथम के बारे में आप क्या जानते हैं, भी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर वर्मन के बारे में भी थोड़ा कुछ लगा, ठीक है, कुछ मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार तो नहीं आया लेकिन कुछ बार आया है। दंती वर्मन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे जब भी आप पेपर देने जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस PDF में, इस मॉडल पेपर में, या फिर बोल सकते हैं इस वीडियो में, जो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, इनमें से कई सारे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आपके फंसेंगे, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी ये पूरी PDF आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं, उससे प्राप्त कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।